नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो RPSC सेकंड ग्रेड साइंस के स्टूडेंट है वो अपनी तैयारी किस हिसाब से करें, क्या वैकेंसी कब तक आ सकती है, कब आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, कौन से टीचर से पढ़ें, कौन सी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो, वो सारा इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि मेरा नाम मुकेश जांगिड़ है और मेरा इस बार जो है सेकंड ग्रेड मैथ से सिलेक्शन हुआ है और साइंस के जो स्टूडेंट है मेरे जो साथ वाले हैं वो जो सिलेक्ट हुए हैं साइंस से, उनसे जो भी चीज़ें मुझे पता चलेगी वो मैं आपको बताता रहूंगा। इसके लिए मैंने जो है सेकंड ग्रेड के लिए नया चैनल बना रखा है जीवा स्टडी मैथमेटिक्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ सेकंड ग्रेड के लिए, ठीक है। तो वो आप जीवा स्टडी मैथमेटिक्स सब्सक्राइब कर सकते हो, जो आपका क्या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मैंने, वहां पर मैंने मैथ से रिलेटेड बहुत कुछ बता रखा है और साइंस से रिलेटेड भी मैं वहां पर आपको बताता रहूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये कि वैकेंसी कब तक आएगी। तो देखो, वैकेंसी हालांकि आ जानी थी अभी, लेकिन जो सरकार के खराब मैनेजमेंट के कारण आचार संहिता से पहले वैकेंसी जारी नहीं हो पाई। तो अब आपकी वैकेंसी जो है कब देखने को मिल सकती है, तो आपको बजट तक यानी फरवरी 2024 तक तो वेट करना पड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद हो सकता है वित्तीय स्वीकृति कुछ और पदों को मिल जाए और कुछ को मिली हुई है और एक वैकेंसी आपको देखने को मिल जाए, लेकिन मैं आपको ये कोई ऐसा दावा नहीं कर रहा कि फरवरी 2024 में आपको क्या वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। मैं सिर्फ एक अनुमान लगा रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि अगर आप साइंस या मैथ के स्टूडेंट और सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हो, या तो आप साइंस के स्टूडेंट हो या मैथ के हो और आप क्या है सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हो साइंस से या मैथ से, तो इन स्टूडेंट को कभी भी नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। वर्तमान में आपके पास ऐसी कोई भर्ती नहीं है जिसकी आप तैयारी करे हो, तो इससे अच्छा कि आप सेकंड ग्रेड की करो, ठीक है। आप क्योंकि जो वैकेंसी है वो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की ही पहले आने वाली है। अगर आप सेकंड ग्रेड मतलब फर्स्ट ग्रेड में योग्य नहीं है, आपके पास पीजी नहीं है, तो आप क्या है सेकंड ग्रेड को एज ए टारगेट लेकर चलें। एक बात मैं वापस क्लियर कर देता हूँ कि थर्ड ग्रेड को टारगेट लेके बिल्कुल भी मत चलना, थर्ड ग्रेड के चक्कर में फिर आपका सारा सब कुछ रह जाएगा। इससे अच्छा आप सेकंड ग्रेड को या फर्स्ट ग्रेड को टारगेट रखें और जो स्टूडेंट फर्स्ट ग्रेड में योग्य नहीं है, जिनके पीजी नहीं की हुई हो, वो सेकंड ग्रेड को टारगेट रखें, ताकि आपको थर्ड ग्रेड तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा जब टाइम आएगा, क्योंकि थर्ड ग्रेड में इतना ज़्यादा मतलब नहीं है सिलेबस, मतलब सिलेबस ज़्यादा है लेकिन उनका लेवल इतना नहीं है, एक पेपर का लेवल इतना हाई नहीं आता, जिसकी वजह से क्या आप उसको बाद में भी कवर कर सकते हो बाय चांस वैकेंसी आती है तो। लेकिन सबसे पहले आपको फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की ही वैकेंसी देखने को मिलेगी, ठीक। तो अभी आपको मैंने बता दिया कि साइंस के स्टूडेंट हो आप, तो आपको नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि साइंस और मैथ वालों को नोटिफिकेशन का वेट किए बिना अपनी तैयारी को क्या स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। दिन का अगर आप 4 से 5 घंटा डेली निकालते हो तो आपके लिए बहुत है, लेकिन एक बात यह भी हो सकती है जो हमेशा आरपीएससी ने कई बार किया भी है कि अगर बाई चांस मान लो कि अभी आपकी वैकेंसी नहीं आई है और वैकेंसी इस साल आती है, फिर जो मतलब फरवरी के आसपास आती है, फिर जून जुलाई में आती है, तो हो सकता है कि आरपीएससी आपको 3 महीने या फिर 4 महीने ही दे एग्जाम के बीच में, ठीक है। हालांकि रिजल्ट की प्रक्रिया यानी कि धीमी हो सकती है, लेकिन हो सकता है आपका नोटिफिकेशन की लास्ट डेट जो है एग्जाम जो फॉर्म फिल होने की उससे और एग्जाम डेट के बीच में 3 महीने या फिर इससे भी कम थोड़ा सा टाइम आपको दे, तब आप क्या करोगे। तो इससे अच्छा है कि आप अगर मैथ के स्टूडेंट हो या फिर साइंस के स्टूडेंट और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो आपको नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है, क्योंकि अगर करोगे क्या आप, नोटिफिकेशन आएगा और अचानक एग्जाम होगा तो फिर आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पर 40% का जो रूल होता है वो बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। तो अगर ये 40% का रूल मतलब सबसे ज्यादा प्रभाव सिर्फ साइंस और मैथ में डालता है, तो इस कारण क्या है जो मैथ और साइंस के स्टूडेंट है उनको तैयारी जारी रखनी चाहिए, ठीक है। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो जीवा स्टडी मैथमेटिक्स चैनल का लिंक दिया वहां पर मैं मात्र सेकंड ग्रेड से रिलेटेड ही वीडियो बनाता हूं, तो उस पर जाकर आप देख सकते हो। साइंस के भी मैं जल्दी वहां पर शेयर करता रहूंगा, ठीक। दूसरी बात है कि आपको नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना, डायरेक्ट तैयारी करते रहना, क्योंकि जैसे वैकेंसी आएगी और एग्जाम जल्दी होता है तो आप क्या वहां पर ऐसे अच्छे से टैकल कर सको और पुराने स्टूडेंट हैं उनको क्या बराबर ला सको, उनकी बराबरी कर सको, क्योंकि जो नए स्टूडेंट है वो तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। दूसरी बात कि कहाँ से पढ़ें, तो मैंने आपको बता दिया कि जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो मेरे जो सामने लगे हैं वो कहाँ से पढ़े थे, तो उसमें से कुछ स्टूडेंट कलाम से भी पढ़े थे और कुछ स्टूडेंट उत्कर्ष से पढ़े थे, ठीक है। साइंस की बात कर रहा हूँ सेकंड ग्रेड की, और इनके साथ इन्होंने NCERT पढ़ी थी और जो कोचिंग थे उसके नोट्स पढ़े थे, यानी कि 2 सोर्स से पढ़े थे। एक तो आपके जो नोट्स हैं जिस भी कोचिंग के आप लेना चाहो, उत्कर्ष से लेना चाहो या कलाम के लेना चाहो, तो वहां से, और एक NCERT बुक उन्होंने पढ़ी थी जो मेरे सामने लगे हो, ठीक है। अब आप रेगुलर पढ़ोगे 4 से 5 घंटे, मान लो कि आपकी BEd चल रही है या फिर आप क्या BEd अभी कंप्लीट करके आए हो, या पिछली बार सेकंड ग्रेड का जो सॉरी थर्ड ग्रेड का एग्जाम दिया था आपने, रह गए सेकंड ग्रेड की तैयारी नहीं की, अब तैयारी करना चाहते हो, तो नोटिफिकेशन का वेट किए बिना ही लग जाओ, क्योंकि थर्ड ग्रेड का एग्जाम नहीं है कि आप नोटिफिकेशन आएगा एग्जाम डेट आएगी
जाएगी और फिर तैयारी कर पाओगे। आपको अच्छा खासा एक साल के आसपास का टाइम चाहिए, तब जाकर आप इसमें मतलब अच्छा कर पाओगे। तो रेगुलर अगर आप 4 से 5 घंटे पढ़ोगे तो आप अच्छा कर पाओगे, ठीक है। कलाम कोचिंग है आपके पास, उत्कर्ष है, अदर भी अगर कोई आपकी इंडिविजुअल पर्सनल कोचिंग है तो वहां से आप कोचिंग कर सकते हो, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक पढ़ सकते हो साथ में, और किसी भी कोचिंग के जहां से आप कर रहे हो उसके नोट्स या अदर कोई कोचिंग के नोट्स पढ़ सकते हो। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर देता हूं कि कोई ऐसी स्पेशल कोई कोचिंग नहीं होती है, कोई ऐसा कोई स्पेशल नोट्स नहीं होते हैं जिससे सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। आपका इंडिविजुअल होता है, कोई मान लो कि नोट्स लेकर आया उत्कर्ष क्लासेस के, वो उसको पढ़कर क्या जॉब लग गया, दूसरा कलाम को पढ़कर लग गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कलाम वाले मतलब अच्छे हैं या फिर उत्कर्ष वाले अच्छे हैं, दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन जो स्टूडेंट पढ़ रहा है उसने क्या किया वो भी डिपेंड करता है, ठीक है। मटेरियल आपको हर एक कोचिंग देती है, अच्छा से अच्छा देने की कोशिश करती है, लेकिन उसको सही से यूज लेना और सब कुछ मतलब पढ़ना, ईमानदारी से पढ़ना आपके हाथ में। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा आप 4 से 5 घंटे पढ़कर देखो एक बार डेली, और जो नए स्टूडेंट है जिनके पास और कोई मतलब टारगेट नहीं है फिलहाल, तो वो सेकंड ग्रेड की तैयारी जारी रखें, क्योंकि कुछ पोस्टों को वित्तीय स्वीकृति मिली है, कुछ को मिल जाएगी, और फिर वैकेंसी अगर अचानक आ गई तो फिर आपके थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। और कभी भी साइंस और मैथ वाले स्टूडेंट को नोटिफिकेशन का वेट सेकंड ग्रेड में नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर इतना टाइम नहीं मिलता, कम से कम 1 साल आपको आराम से उसको देनी होती है, ठीक है। बाहर टेस्ट सीरीज की करें तो टेस्ट सीरीज आपको स्टार्टिंग में ज्वाइन नहीं करनी है, टेस्ट सीरीज आपका जब एक बार सिलेबस पूरा हो जाए ना, ठीक है, जब एक बार आपका सिलेबस पूरा हो जाए उसके बाद ही आप टेस्ट सीरीज की तरफ जाएं, उससे पहले आप टेस्ट सीरीज की तरफ बिल्कुल ना जाएं। तो मेरा कुल मिला के यही कहना है कि अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करें और साइंस के स्टूडेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जो जीवा स्टडी मैथमेटिक्स चैनल है, जिस पर मैंने सेकंड ग्रेड से रिलेटेड मैथ के बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, उस पर मैं अब साइंस के भी वीडियो अपलोड करने वाला हूं, जो मेरे पास में जो आसपास सेलेक्ट हुए ना साइंस है उनसे जो उनकी पर्सनल राय है ओपिनियन है वो डाल लूंगा वहां पर, तो आप वो भी सब्सक्राइब कर सकते हो साइंस वाले स्टूडेंट भी। तो कुल मिला के मैंने आपको वीडियो में बता दिया कि वैकेंसी का वेट किए बिना आप तैयारी जारी रखें, क्योंकि अगर आप नए स्टूडेंट है और कोई तैयारी नहीं करने को तो कम से कम सेकंड ग्रेड को जारी रखें, क्योंकि सेकंड ग्रेड की तैयारी कम से कम 1 साल मांगती है, बहुत लंबी तैयारी चलानी होती है, क्योंकि साइंस और मैथ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें 40% का रूल बहुत प्रभाव डालते हैं। तो उस 40% के रूल से बचने के लिए, 40% से कम ना आ जाए आपको, तो आपको रेगुलर 4 से 5 घंटे अभी से पढ़ना होगा बिना नोटिफिकेशन का वेट किए, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जीवा स्टडी को, और अगर आप सेकंड ग्रेड ओनली मतलब सेकंड ग्रेड से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ दूसरे चैनल का, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।